बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। रौफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन व वक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के एयरपोर्ट्स के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। और अभी अभी टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल जारी हुआ और इस आर्टिकल के अंदर जो है ओमान एयरपोर्ट्स की जो एक मशीर है उनकी तरफ से जो है कुछ हदायात जारी हुई हैं ओमान एयरपोर्ट्स को लेके। और ये जो आर्टिकल जारी हुआ टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर, इसकी पूरी तफसील क्या है वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया, आप लोग देख सकते हैं, अब अगर ओमान एयरपोर्ट खुलेंगे ई गेट के जरिए जो है, पहले जो मुसाफिर हैं एयरपोर्ट्स के अंदर दाखिल होते थे तो अब ई गेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से ई गेट को बिल्कुल बंद किया गया है। उसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया कि अभी जो है एयरपोर्ट्स क्लोज हैं और एयरपोर्ट्स अब इंशाल्लाह जल्दी ओपन होंगे, और ओपन होंगे तो इन तमाम हदायात के ऊपर आप लोग लाजमी फॉलो करें और ये तमाम हदायात हमने कुछ बनाई हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद एक पॉइंट में उन्होंने कहा जो इमिग्रेशन का जो काउंटर है उसमें जो तमाम जो अमला है उन्होंने जो है दस्ताने पहने होंगे, मास्क पहने होंगे, पूरी जो है हदायात जो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो मुसाफिर ट्रे इस्तेमाल करेंगे अपनी चीज़ों के लिए, वो तमाम चीज़ों को बाद में जो है सैनिटाइज किया जाएगा। एक बंदा इस्तेमाल करेगा फौरन उसके बाद जो है उसको सैनिटाइज किया जाएगा और अगले बंदे के लिए नई ट्रे आएगी सैनिटाइजर के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा ओमान एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इमिग्रेशन के काउंटर हैं उनके ऊपर जो मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजर मौजूद है, जब जो मुसाफिर आएगा अपनी बोर्डिंग वगैरह दिखाएगा, पासपोर्ट वगैरह दिखाएगा, उससे पहले भी जो है अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा, बाद में भी अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा। और ई गेट में उन्होंने दोबारा इस पॉइंट में कहा गया है आप लोगों के लिए बंद किया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे उन्होंने कहा कि ओमान एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनर मौजूद है और आप लोगों की पूरी बॉडी को स्कैन करेगा, अब जो रडार लगे हुए उनके जरिए आप लोगों की बॉडी को स्कैनर किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये तमाम हदायात अभी जारी हुई हैं ओमान एयरपोर्ट्स की मशीन की तरफ से और ये टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर डिक्लेयर हुई हैं। और ये एक आम बयान नहीं है, ये बहुत अहम बयान है जो अभी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह इससे लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो किसी भी वक्त जो है ओमान एयरपोर्ट्स को ओपन करने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि तमाम जो चीज़ें वो डिक्लेयर कर दी गई हैं आम आवाम के लिए और ये बहुत खुशाइन बात है। और इंशाल्लाह हम लोग इंतजार में कब जो है ओमान की तरफ से इशारा होता है ओमान एयरपोर्ट्स को ओपन करने का, और इंशाल्लाह जैसे वो अपडेट्स आएंगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। बस ये इस वक्त तक की अपडेट्स थी ओमान के एयरपोर्ट्स के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आएगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रौफ फजल अजीम को दीजिए इजाजत, दुआओं की दरखास्त आप लोगों से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।